तो लोकेश कटारिया का एविक्शन हो चुका है बिग बॉस से, और लोकेश कटारिया के एविक्शन के बाद उनके दोस्तों का, एल्विस यादव का और ढेर सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का रिएक्शन आया। यहाँ पर बात करें किसका किसका आया, तो यहाँ पर एल्विस यादव, अंजलि अरोरा, लक्ष्य, अर्चित, अनूप चहल और ललित कुमार यादव और इस तरीके से करके ढेर सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का रिएक्शन आया। साथ ही मैक्सटन ने भी अपना रिएक्शन दिया इस चीज़ पर, इसके साथ ही क्रेजी दीप ने भी अपना रिएक्शन किया। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेश कटारिया के बेस्ट फ्रेंड यानी कि एल्विस यादव की। तो एल्विस यादव ने एक ट्वीट करके लिखा कि वोट से नहीं निकाल पाए। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं एल्विस यादव काफी गुस्सा है बिग बॉस से, और उनका कहना है कि भाई तुमने कटारिया को तो निकाल दिया पर एक साजिश के तहत, वोट से अगर पब्लिक के वोट से बात करें तो उससे तुम कभी भी नहीं निकाल पाते। वहीं बात करें मैक्सटन की, तो मैक्सटन ने यहां पर एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, ये बिग बॉस वालों ने पहले मेरे बदले अरमान मलिक की दूसरी वाइफ को ले लिया, फिर अरमान मलिक को एलिमिनेट नहीं किया फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस, अब कटारिया को निकाल दिया, ये लोग ये सीजन नशा करके कर रहे हैं क्या। जी दोस्तों, कुछ ये रिएक्शन आया मैक्सटन का लोकेश कटारिया के एविक्शन को लेकर। वहीं बात करें अंजलि अरोरा की, तो अंजलि अरोरा ने भी एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, खेल ऐसा करो कि जनता भी कुछ ना कर पाए, क्योंकि बिग बॉस भी जानता है जब जनता अपनी पावर दिखाएगी तो सीधा ट्रॉफी घर लाएगी, हैशटैग लोकेश कटारिया, मोर पावर टू यू, वेल प्लेड। जी दोस्तों, कुछ ये कहना था अंजलि अरोरा का। वहीं बात करें क्रेजी दीप का, तो क्रेजी दीप ने एक सैड वाला इमोजी लगा, इसके साथ ही उन्होंने लिखा, अनफेयर हुआ कटारिया भाई के साथ, लेट्स बॉयकॉट बिग बॉस, और हार्ट ब्रेक वाला इमोजी लगा। इसके साथ ही बात करें लोकेश कटारिया के दोस्त लक्ष्य की, तो लक्ष्य यहां पर एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया जहां पर उन्होंने हार्ट ब्रेक वाला इमोजी लगाया। इसके साथ ही बात करें अर्चित की, यानी कि जो लक्ष्य के साथ अर्चित रहते हैं कटारिया के दोस्त, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया जहां पर उन्होंने बिग बॉस का जो आइकन होता है उसके आगे, आंख वाला जो आइकन होता है उसके आगे एक जूता का साइन लगाया, यानी कि कहीं ना कहीं अर्चित जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है फिलहाल बिग बॉस से। बात करें यहां पर लोकेश कटारिया के दोस्त ललित यादव की, तो ललित यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया लोकेश कटारिया के एविक्शन को लेकर, जहां पर वो काफी ज्यादा गुस्सा नजर आया बिग बॉस को, और बिग बॉस को उन्होंने क्या रिप्लाई किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हाँ तो भाई बिग बॉस, क्या हालचाल है, कर लिया चाल, खेल ली गेम, खेल लिया दिया है टॉप फाइव, तुम्हारे टॉप फाइव कृतिका, कृतिका की पूरे सीजन में कुछ काम ना करा, उसके दो काम थे अरमान को और हमारे ताऊ जी को, रणवीर को चाय पिलाना, कॉफी पिलाना और मेकअप थोपना। उसके बाद बचता है साई केतन, साई केतन भाई अगर किसी बुजुर्ग के पैर पकड़ गए या लंगोटी पकड़ गए, कुछ भी पकड़ गए ऊपर पहुंचा जाए तो भाई ने तो वही काम करा है। वेल वेल रणवीर जी, वेल कुछ ना करा पूरे सीजन, वेल रणवीर जी, या दूसरे को धक्का मारा है, ठीक है। नेजी भाई, नेजी भाई ने तो बस अगर ऊपर ही देखने थे, अगर सुन रहने थे और कुछ ना बोलने थे, नेजी भाई हाँ हाँ तुम गुस्सा आ रहा, मैं नवेर में के बोल रहा हूँ पर मैं सही बोल रहा हूँ तुम्हें बेरा, ठीक है। बात करते हैं बाबा जी की, बाबा जी ने तो बस भाई अपने एज का फैक्टर खेला है पूरे में, पूरे बिग बॉस में कुछ ना करा उसने भी, पर यही है कि बिग बॉस ने धीरे 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 जो वोटिंग वाले लोग थे ना जिनके वोट में दम था, धीरे 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 करके सब निकाल दिए। चलो अच्छा करा, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। इसके साथ ही आमिर सिद्दीकी, जिनका कि पहले कंट्रोवर्सी हो रखा है लोकेश कटारिया और एल्विस यादव के साथ, वहां पर आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो काफी सैड नजर आया लोकेश कटारिया के एविक्शन को लेकर, और लोकेश कटारिया के एविक्शन को लेकर आमिर सिद्दीकी ने क्या बोला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हे गाइस, आप लोगों को एक कंफर्म न्यूज देना चाहता था कि लव कटारिया और अरमान मलिक घर से एविक्ट हो चुके हैं, सो सैड बट इट्स अ ट्रू न्यूज, तो अब देखते हैं ट्रॉफी कौन लेके जाता है। साथ ही बात करें फरीदाबाद रॉकर्स की, जो कि लोकेश कटारिया के टीममेट है, उनके अच्छे दोस्त हैं और जिनका कि नाम अनूप चहल है, तो अनूप चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर उन्होंने क्या बोला है लोकेश कटारिया के एविक्शन को लेकर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सबको खबर मिल गई होगी हमारे कटारिया भाई बिग बॉस में एविक्ट हो गए, तो बस इतना कहना चाहूँ जितने भी ये हमारे भाई हैं जिनने मदद करी, वोट करी, सपोर्ट करी, एंड तक हमारी गैल खड़े रहे, सबको भाई दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। हार हो जीत हो जो भी है भाई, जो किस्मत में लिखो सब एक्सेप्ट है, हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन बस एक बात चुभ रही है कि क्या जो भी पांच लोग बिग बॉस में फाइनल तक वहाँ पहुँचे हैं, क्या उनने बिग बॉस में ऐसा करो कि वहाँ तक भी पहुँचने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ना भाई, जो भी है सब मंजूर है यार, बाकी तुम्हें भाई दिल से धन्यवाद जो हमारी गैल यहाँ तक चले, खड़े रहे, हमारी सपोर्ट करी भाई।
इसके साथ ही पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो पब्लिक बहुत ही ज्यादा भड़की हुई फिलहाल बिग बॉस के ऊपर, और यहाँ पर बॉयकॉट बिग बॉस जो है वो अनफेयर एविक्शन ऑफ कटारिया के साथ बिग बॉस के ट्रेंडिंग सेक्शन पर बना हुआ बिल्कुल तब से जब से कि लोकेश कटारिया का एविक्शन हुआ है। इसके साथ ही फिलहाल बात करें तो हैशटैग एल्विस आर्मी जो है वो लगभग 1,13,000 पोस्ट के साथ ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन पर बना हुआ है, और पब्लिक जो है वो बहुत ही ज्यादा भड़की हुई बिग बॉस के ऊपर, और पब्लिक का एक ही चीज कहना है ये बिल्कुल ही अनफेयर एविक्शन था और इसलिए बिग बॉस को यहाँ पर बॉयकॉट किया जा रहा, साथ ही जियो सिनेमा को भी अनइंस्टॉल किया जा रहा। तो लोकेश कटारिया के एविक्शन पर अब तक इतने सारे रिएक्शन आ चुके हैं, आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।